तेज हुआ नेताओं का जनसंपर्क, मतदान के पहले लोगों से पोस्टर बैनर के साथ मिल रख रहे हैं अपनी बातें। विधानसभा चुनाव में बेहद कम दिन बचे हैं, जिसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। मतदान के पहले सभी उम्मीदवार मतदाताओं से मिलकर अपनी बातें रखना चाहते हैं, जिससे वो अपने वोटरों को संतुष्ट कर सकें कि वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे प्रचार भी तेज होता जा रहा है। उम्मीदवार पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर लोगों के घरों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बुधवार को सवर्ण समाज पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र शुक्ला अपने दल बल के साथ जनसंपर्क करते नजर आए। बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कासिम खान ने भी लोगों के बीच जाकर अपनी बातें रखी, तो वहीं अपना दल एसके प्रत्याशी के गुप्ता ने भी जनसंपर्क किया। चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी गरीब मजदूर किसान व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रही है और सभी को हक दिलाने की बात कर रही है। ग्रास रूट में जो आदमी है उसको जो अर्श से फर्श तक की सेवा करने के लिए तैयार है, और जो अभी तक मूल विकास नहीं हुआ, जो घोषणाएं मात्र रह गई, उसी घोषणाओं को पूरा करना और सही योजना बना के सही लोगों तक इस बात को पहुँचाना और मध्य प्रदेश में दाबिश से सरकार बनाना। इस बार 100% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, कोई दौरा नहीं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तोड़ चुकी है। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ हवा है, पैसा है और जो वोट है वो बीजेपी का। देवेंद्र शुक्ला, किस पार्टी से आप? सवर्ण समाज पार्टी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? एट्रोसिटीज एक्ट का जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा करके जो संशोधन किया है, मुख्य रूप से उसके खिलाफ है, जातिगत आरक्षण के खिलाफ है, और जो इस तरह से उच्च पदों पर बैठकर लोग जो है अहंकार भरी भाषा बोलते हैं, माई दूसरों के माँ को चैलेंज करते हैं, अपने माँ को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, जो है महिला सुरक्षा मुद्दा है, प्रारंभिक शिक्षा मुद्दा है, शहर के साफ सफाई मुद्दा है, आवारा पशुओं का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्दा है। यही मेन मुद्दे हैं जिनके साथ के लिए जो है मैं मैदान में हूँ। किस पार्टी से? सवर्ण समाज पार्टी। किस पार्टी का प्रचार चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी, कासिम खान। कौन सा विधानसभा से? विधानसभा रीवा 74। युवा से लड़ रहे हैं कासिम खान जी? कासिम खान, बहुजन समाज पार्टी। मुद्दे इनके क्या क्या होंगे? मुद्दे इनके बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और कई से मुद्दे हैं जो रीवा में है। समलड़िया के राजू फुला जी बेच चुके हैं, उनको बचाना है, अपने समाज के यहाँ के जगह को बना के, यहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा बेच चुके हैं राजू फुला जी, उनको बचाना है।